देख सकते हैं आप करण मार्केट की है, जहां पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव और करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया पहुंचे हैं। उनके साथ नगर निगम के अधिकारी भी हैं, एसडीएम भी हैं, और कुछ देर पहले एसडीएम यहां पर आए थे नगर निगम के अधिकारियों के साथ, और जो अतिक्रमण यहां पर हुआ है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, हर कोई चाहता है कि व्यवस्था बनी रहे, और अगर व्यवस्था बनी रहेगी तो फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं करनाल के उपायुक्त और करनाल के एसपी और नगर निगम के अधिकारी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप अगर जहाँ आप लगाना चाहते हो ना, आपको वो जगह दे देते हैं। सड़क पे अगर आप भी लगाते हो रोड पे आके, तो कल को हर आदमी लगाएगा, बाकी लोग भी यही कहेंगे कि भाई हम भी सड़क पे लगाएंगे। यहाँ क्या है, इस दिवाली के टाइम सबसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, आप देख रहे हो कि कम से कम 100-200 लोग हर टाइम गुजरते रहते हैं। अगर रोड पे अगर आप लगाओगे, हर आदमी रोड जहाँ तक आप लगाओगे हर आदमी लगा लेगा वहाँ तक, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। हम लोग सहमत हैं आपका, देखो रोज़गार है, विशेष रूप से दिवाली पे ज़्यादा चलता है ये रोज़गार, लेकिन आपको कोई अगर जगह दी जाए तो मेरे ख्याल वो ज़्यादा ठीक है। आप सारे लोग वहाँ लगाओ, अपने बैठ करके सारे लोग वहाँ जाके खरीदेंगे, आसपास ही कहीं जगह बता देंगे। लेकिन सड़क पे मत लगाओ, मुगल कनाल पुलिया पे सुनो, आप में से आप मान लो आगे कोई गए, हम तो जीटी रोड पे लगाएंगे, तो क्या लगा लेने थे? ये भी रोड है, ये भी सड़क है, वो ठीक है, सड़क है, ये सड़क पे थोड़ी लगा, दूसरा रोड पे आपको नहीं, रोड पे जब लगाने देते हैं आपको तो उसका लिमिट नहीं रहता, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम इनको नहीं, क्या लिमिट है? आप यहाँ तक आज सुबह कहाँ तक थे? सुबह तो यहाँ तक थे, अब रोड 20 तक लगा लोगे फिर, आप ही बता दो कहाँ तक थे, मैंने देखा हुआ है। एक तरीका और है, मैं एक जगह और बताता हूँ, रामलीला ग्राउंड में दिलवा देते हैं आपको जगह, यहाँ बिल्कुल पास ही है, सब लोग वहीं से लेने आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये क्या, ये कहाँ खाली जगह सर? वो भी वही बात है, कंजेशन वहाँ गाड़ी वाड़ी जाती है, चलो सुनो, एक लाइन में डीएमसी साहब थोड़ी देर में आएंगे, दुपट्टा मार्केट में जगह दिलवा देंगे, ठीक है, एक बार वहाँ देख लेते हैं। यहाँ एक मिनट सुनो, अरे भाई सुन लो, आप जिद, देखो आप जिद नहीं कर रही, आपने कहा मैं दुपट्टा मार्केट में दिलवा रहा हूँ, जिद करो, दुपट्टा मार्केट में जगह देख लेते हैं, वहाँ भी ये नहीं कि मैं सारे के सारे, तुम ये कहो जी सारे के सारी जगह घेर के बैठे। तो आप देख सकते हैं करनाल के उपायुक्त हैं और साथ ही साथ करनाल के एसपी हैं, जो यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था बाजार के अंदर बन सकती है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर जरूरी हो जाती है, क्योंकि त्यौहार का सीजन है और ऐसे में रास्ता होना बेहद जरूरी है, और अगर रास्ता नहीं होगा तो फिर बाजार के अंदर ना ही वाहन आ सकेंगे और ना ही पैदल लोग आ पाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे निशांत जी, किस तरीके की तैयारी दिवाली को लेकर? दिवाली पे लेके कुछ मार्केट से आज मैं और एसपी साहब हम जा रहे थे, हमने एसडीएम करनाल को, डीएमसी नगर निगम और इनकी पूरी टीम को कहा है कि जो भी कंजेस्टेड मार्केट है करनाल के, घरोंडा के, असंध के, इंद्री के, सभी जगह पे इस तरह की व्यवस्था की जाए, अगर उसमें व्हीकल्स का आवाजाही रोकी जाए तो वो भी रोकेंगे और इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना लगे। इस सिलसिले में हमने अभी करण गेट मार्केट का दौरा किया है, कुंजपुरा रोड भी देखेंगे, एक दो और सड़कें देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि वहाँ ट्रैफिक का जाम ना लगे। जो दिए वाले हैं उनको कोई जगह, उनको कोई और जगह फिक्स करा करके दे देंगे, उसके लिए हमने डीएमसी साहब को कहा है। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम? देखिए, जो त्योहारों के मौसम को देखते हुए और साथ में ही 3 दिन आ गए हैं पुलिस सिपाही के भर्ती के लिए एग्जाम भी होने हैं, तो इस संबंध में ट्रैफिक के इंतजाम करने के लिए हमने माकूल इंतजाम कर रखे हैं,
हमने इस संबंध में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जो भी परीक्षार्थी आए या त्योहारों के लिए जो भी खरीदारी करने आ रहे हैं उनको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। गंगाराम जी, एक मामला सामने आया है फांसी का, इंद्री में आपके संज्ञान में आया है कोई? जी, अभी वहाँ पर SHO और कंसर्न जो ASP है मौके पर पहुँचे हुए हैं, उनसे हालात का शाम को हम पता करेंगे कि एक्चुअल में मामले में क्या हुआ है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है की जाएगी। तो आप देख सकते हैं करनाल के SP हों या करनाल के DC हों यहाँ पर दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो भी तमाम दुकानदार हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाजार पूरी तरह सज गए हैं खरीदारी करने के लिए। करनाल के अंदर लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं, भीड़ होती है दिवाली के दिनों में, त्योहारों के दिनों में, और इसमें अव्यवस्था ना फैले इसको लेकर तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए करनाल के उपायुक्त निशांत यादव, करनाल के SP गंगाराम पूनिया और भी तमाम नगर निगम के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी करण गेट मार्केट, कुंजपुरा रोड मार्केट का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जो भीड़ है इस भीड़ को ख़त्म किया जाए और आराम से जो आम पब्लिक है जो पैदल आती है या दुपहिया वाहन पर आती है वो आसानी से बाज़ार में आकर ख़रीदारी कर सके, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं कि गाड़ियों पर आते हैं, पार्किंग अच्छे से नहीं होती है, दुकानों के बाहर अतिक्रमण होता है, तो फिर वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो आम पब्लिक को उठानी पड़ती है। और इसी बात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक जायजा लिया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आगे अब कुंजपुरा रोड की तरफ प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि पूरी व्यवस्था बनाई जा सके, ताकि आम पब्लिक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और फिलहाल देखा जा रहा है जो अतिक्रमण है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ये आप देख सकते हैं कुंजपुरा रोड की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर अंदर की तरफ गाड़ियाँ ना जा सके, ताकि बाज़ार खुले खुले दिखे, आम पब्लिक पैदल चल सके और आसानी से रास्ता उन्हें मिल सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं करनाल के SP गंगाराम पूनिया, करनाल के उपायुक्त निशांत यादव और भी तमाम अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मार्केट की, जी हाँ, त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और बहुत से लोग शॉपिंग करने पहुंचते हैं तो बहुतों की दुकानें होती हैं। और देख सकते हैं जो करनाल के DC निशांत कुमार यादव, SP गंगाराम पूनिया किस तरह से निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले करण गेट मार्केट में उन्होंने निरीक्षण किया और इसके बाद अब कुंजपुरा रोड पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से वो पूरी देख रहे हैं किस तरह से तैयारियाँ जो हैं मार्केट में ठीक हैं या नहीं, जो लोग आएंगे उसके बाद जो उनको पार्किंग की जगह मिलेगी या नहीं, किस तरह से लोगों की सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। एक किस्म का देख सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हुए कुंजपुरा रोड पर आप लोग को दिख रहे हैं और पीछे बैरिकेडिंग, जी हाँ, बैरिकेडिंग भी की गई थी ताकि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो हैवी व्हीकल्स यहाँ पर ना आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कुमार यादव और SP गंगाराम पूनिया पूरी मार्केट का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए कि त्योहार आ रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा के जायजे, क्या लोगों के लिए सेफ है या नहीं, वही करते हुए दिख रहे हैं। करण गेट से होते हुए कुंजपुरा रोड पर अब जाते हुए दिख रहे हैं, पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। तो आप लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि त्योहारों को अच्छे से मनाइए अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।